आगे हम सब देखते हैं सभी सी फाइटर्स और उनकी फैमिलीज वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए आ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अचानक से उन्हें गोकू एंड विचिटा की आवाज आती है। गोकू एंड विचिटा वापस आ गए थे। सभी सी फाइटर्स उनसे मिलते हैं, काफी इमोशनल हो जाते हैं। गोकू गोटेन को देखता है, उसके पास जाता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है एंड गोटेन से बातें करने लगता है। विचिटा बुला को देखता है, उसके पास जाता है, उसे गोद में उठा लेता है, उससे बातें करने लगता है। सी फाइटर्स सोच में पड़ जाते हैं, ये कौन सा विचिटा आ गया यहाँ पे। विचिटा बुला से पूछता है वो बड़ी होके क्या बनना चाहती है। बुला विचिटा से कहती है उसे अपनी मॉम की तरह साइंटिस्ट बनना है। विचिटा कहता है बुला ऐसा जरूर कर पाएगी। सी फाइटर्स अगेन सरप्राइज हो जाते हैं। विचिटा को फाइट के अलावा कुछ और पसंद आने लगा था। अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं जूनियर टूर्नामेंट की तरफ। गोटेन के अलावा कोई भी सी फाइटर जूनियर डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बिगेस्ट रैंक सीनियर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला था, सो ऑब्वियस ही बात है गोटेन आराम से जूनियर डिवीजन जीत जाता है। मिस्टर सेटन जान पूछ के गोटेन का मन रखने के लिए उसे हार जाते हैं। हम सब जानते हैं मिस्टर सेटन कितने पावरफुल है, लेकिन साथ में उनका बहुत बड़ा दिल भी है। पर अभी बारी आती है एक्चुअल टूर्नामेंट की। गोकू, विचिटा, गोहान, ट्रंक्स, पिकलो ये सब पार्टिसिपेट करने वाले थे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सी फाइटर्स खाना खाने जाते हैं। खाना खाने के बाद उनकी मुलाकात होती है सुप्रीम काई एंड किपीटो से। गोकू एंड विचिटा को सुप्रीम काई एंड किपीटो काफी मिस्टीरियस लगते हैं। फिलहाल वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। बैटल्स जैसे हुए थे बिल्कुल वैसे ही होते हैं। विटल एंड स्पोपोविच की फाइट होती है। गोहान अपनी असली ताकत दिखाता है। गोहान एंड किपीटो की फाइट होती है। सुप्रीम काई गोहान को पैरालाइज कर देते हैं। यामो एंड स्पोपोविच गोहान की एनर्जी लेके यहाँ से चले जाते हैं। सी फाइटर्स उनके पीछे जाते हैं। बाबीडी की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। डाबूरा किबीटो को मार देता है। पिकलो एंड क्रेलिन को पत्थर में बदल देता है। सी फाइटर्स बाबीडी के शिप के अंदर जाते हैं। विचिटा पुई पुई से फाइट करता है, काफी आराम से पुई पुई को खत्म कर देता है। कोकू याकोन से बैटल करता है, काफी आराम से याकोन को खत्म कर देता है। अभी बाबीडी के पास एक फाइटर बचा था, एंट्रंक्स एंड गोहान, दोनों ने बैटल नहीं किया था, सो दोनों डिसाइड करते हैं वो साथ में डबूरा से फाइट करेंगे। दोनों सेंस डबूरा से फाइट करते हैं। ट्रंक्स गोहान के मसे लेता है, वो बोलता है जो भी डबूरा को हराएगा वो विटल के साथ डेट पे जाएगा। गोहान इस बात को सुन के काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। डबूरा को बहुत बुरी मार मारता है। डबूरा दोनों सेंस को पत्थर में बदलने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अपनी डेट और विटल को सिक्योर करते हुए गोहान ही डबूरा को खत्म करता है। ट्रंक्स हंसता है और कहता है तुझे बेवकूफ बनाना कितना आसान है मेरे भाई। बाबीडी की हालत खराब, उसके तीनों फाइटर्स निकम्मे निकले। बाबीडी ट्राई करता है किसी तरह एक सी फाइटर्स को अपने जाल में फंसा ले, अपना गुलाम बना ले। गोकू, गोहान, ट्रंक्स तीनों साफ दिल के थे। बाबीडी विचिटा पे अपना स्पेल ट्राई करता है पर विचिटा भी बाबीडी के जाल में नहीं फंसता, उस पे भी स्पेल का कोई असर नहीं होता। आई मीन कम ऑन यार, ये वही विचिटा है जो अपनी सीएन बेटी को साइंटिस्ट बनते देखना चाहता है, इसके अंदर क्या ही बुराई हो सकती है। हाँ ये बात अलग है, विचिटा का नेचर बाकी सबसे बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बट है भी तो प्रिंसिपल सीएंस, इतना तो चलता है भाई। सभी सी फाइटर्स बाबीडी के पास जाते हैं। विचिटा बाबीडी को पकड़ता है। सुप्रीम काई से पूछता है इसका क्या करना है। सुप्रीम काई बताते हैं इसका जिंदा रहना यूनिवर्स के लिए बहुत बुरा होगा। विचिटा की ब्लास्ट प्रिपेयर करता है। बाबीडी अपनी आंखों से कोई स्पेल करने की कोशिश करता है पर क्या फायदा, विचिटा आराम से बाबीडी को खत्म कर देता है। अभी डिसाइड करना था मार्जिन बुक इस बॉल का क्या करना था। सुप्रीम काई कहते हैं इस बॉल को यहीं पे छोड़ देते हैं, ये एरिया बहुत ज्यादा डीप है, कोई भी ह्यूमन यहाँ पे नहीं आ सकता और अगर आ भी गया तो मार्जिन बुक को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। सुप्रीम काई अपनी पावर यूज करते हैं, मार्जिन बुक की बॉल के चारों ओर एक बॉल जैसा कुछ बना देते हैं। सी फाइटर्स वापस ऊपर की तरफ आ जाते हैं। पिकलो एंड क्रिलिन ठीक हो चुके थे, बाकी सी फाइटर्स का वेट कर रहे थे। सुप्रीम काई किपीटो के बारे में सोच रहे थे। पिकलो कहता है अर्थ के पास ड्रैगन बॉल्स हैं, वो आराम से किपीटो को पिच पैक कर सकते हैं। सभी सी फाइटर्स टूर्नामेंट की जगह पे आ जाते हैं बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल बाकी था, गोकू वर्सेस विचिटा। दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयंस, दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सी फाइटर्स फाइनली आपस में बैटल करने वाले थे। बहुत मजा आने वाला था इस बैटल में। दोनों सेयंस अपनी बेस फॉर्म में फाइट करना स्टार्ट करते हैं। विचिटा की बेस फॉर्म गोकू से थोड़ा ऊपर थी, सो विचिटा डोमिनेट करता है गोकू को। गोकू सुपर सेयन फॉर्म में जाता है, बैटल को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है पर विचिटा भी सुपर सेयन फॉर्म में चला जाता है। बैटल अगेन एक्साइटिंग हो जाता है। ट्रंक्स एंड गोहान अपने फादर को फाइट करता हुआ देख रहे थे, वो समझ जाते हैं भाई इन दोनों के सामने कोई नहीं टिक सकता। गोकू एंड विचिटा बैटल को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। दोनों सेयन सुपर सेयन 2 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रंक्स एंड गोहान देखते हैं उनके फादर ने सुपर सेयन 2 फॉर्म भी अनलॉक कर लिया, पर ऑब्वियसली ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। सुप्रीम काई इनमॉर्टल्स की पावर को देख के सरप्राइज हो जाते हैं, उन्हें लगा नहीं था इस यूनिवर्स में इतने पावरफुल मॉर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं। गोकू एंड विचिटा ने डिसाइड किया था वो इस बैटल में की ब्लास्ट यूज नहीं करेंगे बिकॉज की ब्लास्ट यूज करने से पूरा स्टेज तबाह हो सकता था। दोनों सेयंस ऊपर आसमान की तरफ फाइट कर रहे थे जिससे दोनों के पंचेस एंड किक्स कोलाइड होने पे जो भी स्ट्राइक्स बनती उससे किसी को डैमेज नहीं होता। गोकू सोलर फ्लेयर यूज करता है, विचिटा इस चीज को भाप लेता है। विचिटा अपनी आंखें बंद करके गोकू की सेंस करके उसे फाइट करता रहता है। बेसिकली सोलर फ्लेयर का कोई फर्क नहीं पड़ता। गोकू ने एक तरह का गैम्बल लिया था पर वो जानता था विचिटा इस अटैक से बच जाएगा। अपने बैटल में गोकू एंड विचिटा एक बात नोटिस करते हैं, जब भी उनकी पंचेस एंड किक्स को
इलेक्ट्रोलाइट होती उससे जो भी एनर्जी बनती वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती, पर दोनों सेंस इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। दोनों सेंस फाइट करते करते एक छोटा सा पॉज लेते हैं, वापस ग्राउंड पे आ जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और स्माइल करने लगते हैं। गोकू कहता है लगा नहीं था बात यहाँ तक आ जाएगी। विजेटा इस बात पे कहता है पर अब तो आ चुकी है। गोकू एंड विजेटा के फेस एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगता है असली फाइट तो अब शुरू होने वाली है। दोनों अगेन आसमान में जाते हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, अपनी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। ट्रंक्स एंड गोहान इस पावर को फील करते हैं, ये कोई नॉर्मल पावर अप नहीं था। गोकू एंड विजेटा अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते हुए ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सुपर सैयन 3 फॉर्म में। सभी सी फाइटर्स इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के हैरान रह जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं दोनों सेंस ने अपने आप को किस हद तक पुश किया होगा इस पावर को अनलॉक करने के लिए। गोकू एंड विजेटा अभी अपना एक्चुअल बैटल शुरू करते हैं। दोनों सेंस एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज देते हैं, दोनों की पंचेस एंड किक्स कोलाइड होने लगती हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक डाउनफॉल था, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती थी, लेकिन इसका एक फायदा भी था, इसकी वजह से बैटल का रिजल्ट जल्दी आने वाला था। थोड़ी देर फाइट करने के बाद दोनों सेंस अपने लिमिट हिट कर देते हैं। गोकू एंड विजेटा बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके थे, दोनों एक फाइनल ब्लो देने आगे बढ़ते हैं, पर अचानक से वो किसी की प्रेजेंस फील करते हैं। बाकी सी फाइटर्स भी इस चीज को फील कर पाते हैं एंड सुप्रीम काई बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। ये जो भी बंदा था वो बोलता है इतनी गजब की एनर्जी के लिए मैं तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहता हूँ, मेरा काम तो उम्मीद से जल्दी पूरा हो गया। बाबी डी फाइनली सबके सामने आ जाता है एंड उसके साथ होती है मार्जिन बू की बॉल, जिसको देख के साफ पता चल रहा था उसके अंदर से जल्दी कोई बाहर आने वाला है। बाबी डी कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ।